Morning students, today we are studying face value and place value in the topic knowing our numbers. Okay, in the chapter knowing our numbers. Okay, and we are going to study face value and place value. ठीक है, तो ये face value and place value पे questions बहुत आते हैं हमारे लिए. और वैसे भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत tough topic है, ठीक है, बट एक टॉपिक है तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है. इस पर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जस्ट सपोज़ एक 5 डिजिट का नंबर है. ठीक है, हमारे पास एक 5 डिजिट का नंबर है, तो आप ये देख रहे हैं ये नंबर है हमारे पास. ठीक है, ठीक. तो व्हाट इज़ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू? तो सबसे पहली बात, अगर हम सबसे पहला टॉपिक इस पर फेस वैल्यू को डिस्कस करें, ठीक है, सो फेस वैल्यू क्या होगी? फेस मीन्स फेस. ओके, तो फेस मीन्स फेस, यानी कि 2 की फेस वैल्यू इट्स 2. ओके, एंड हियर 1 की फेस वैल्यू 1, 5 की फेस वैल्यू 5, एंड 9 की फेस वैल्यू 9, एंड 3 की फेस वैल्यू 3. ओके ओके ओके, तो आपने देखा कि हमने डिस्कस किया फेस वैल्यू. फेस वैल्यू में 2 की फेस वैल्यू 2, 1 की 1, 5 के 5, 9 के 9, एंड 3 के 3. तो जैसा आप देख पा रहे हो कि फेस वैल्यू इट मींस एज इट इज़ इट्स फेस. इसका फेस कैसा है? तो जैसे 2 है तो 2 है, तो इट डजंट मैटर. एक्चुअली इट डजंट मैटर कि ये किस जगह पे है. ये यूनिट प्लेस पे है, या फिर ये टेंस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, या फिर 1000 प्लेस पे है, या 1000 प्लेस पे है. ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका फेस एज इट इज़ रहेगा. ओके, तो देयर फॉर दिस इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू. ओके, चलो तो अब हम प्लेस वैल्यू पर डिस्कस करते हैं. आपको फेस वैल्यू तो समझ में आ गई, अब हम प्लेस वैल्यू पर डिस्कस करते हैं सेम क्वेश्चन के लिए. ओके, तो अब व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू? तो अब आप देख सकते हो कि प्लेस वैल्यू 2 के लिए 2 है, 1 के लिए इट्स 1 × 10 इज इक्वल्स टू 10 है, 5 के लिए ये वैल्यू इट्स 5 × 100 इज इक्वल्स टू 500 है. ठीक है, 9 के लिए ये वैल्यू इट्स 9 × 1000. ओके, इट्स 9000. ओके, 3 के लिए दिस वैल्यू बिकम्स 3 × 10000, 30000. ओके, तो ये पेज बार बार उड़ा जा रहा है, मैं इसको कंट्रोल में नहीं कर सकता क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है. ठीक है, तो एंड मेरे पास अभी कुछ है भी नहीं इसके लिए. एनीवे, सो तो आप देख पा रहे हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कितना बड़ा डिफरेंस है ना? आप ये देख पा रहे हैं हियर, हम प्लेस के साथ उस डिजिट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आप ये देख रहे हो, टू के साथ वन की मल्टीप्लाई एक्चुअली होनी थी. ठीक है, क्योंकि ये इट्स यूनिट प्लेस, तो 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2. ओके, 1 की जगह पे 1 के साथ 10 की मल्टीप्लाई हुई. ठीक है, तो यहाँ 10 आया. ओके, एंड 5 × 100 इज इक्वल्स टू 500. आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है. 5 को 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 5 इज एट 100's प्लेस. एंड 9 को के साथ 1000 की मल्टीप्लाई इसलिए हो रही है क्योंकि 9 इज एट 1000's प्लेस. एंड 3 इज एट 10000 प्लेस, देयर फॉर इसकी 10000 से मल्टीप्लाई हुई है. ठीक है, तो हमारे ख्याल से आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों समझ में आ रही होगी. ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक इतना ही था. अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आते हैं? हमारे पास क्वेश्चन आते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड
face value of 2 in 32,102. 32,102 में हमें 2 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकालना है. आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, ठीक है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 32,102. तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम, कैसे इसकी सोल्यूशन होगी. सो तो जैसा हम देख पा रहे हैं 32,102 की जो फेस वैल्यू है, इस 2 की जो फेस वैल्यू है, ठीक है, वो हाँ हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, इस नंबर में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा. मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जैक्टली इस नंबर को चेंज करके मैं इसे 35,102 कर देता हूँ और इस 2 को चेंज करके मैं इसे 5 कर देता हूँ. थोड़ा सा चेंज, ठीक है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने चेंज किया है, मॉडिफाई किया फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 35,102, ठीक है. बच्चों अब अगर आप लाइव क्वेश्चन खुद से बनाओगे ना, तो थोड़ा सा तो ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आंसर जो है वो अच्छा दिखे, ठीक है. तो चलो हम देखते हैं कि 5 प्लेस फेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1000, 5000, ठीक है. सो द डिफरेंस, सो व्हाट इज द डिफरेंस, 5000 माइनस 5 इट बिकम्स 4995. तो ये हुआ आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश. तो आपने देखा ये क्वेश्चन जो बना, अभी मैं 2-3 तरह के और क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ठीक है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर दिस, ठीक है. सो हाउ इट इज सॉल्व, तो आप देख पा रहे हो फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 5, प्लेस वैल्यू 5000, ठीक है. सो द डिफरेंस 5000 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4995, ठीक है. इट्स क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो बच्चों एक और एग्जांपल हम देखते हैं, अपना एग्जांपल नंबर 2 कर लेते हैं इसे, ठीक है. एक और एग्जांपल देखते हैं और वो एग्जांपल क्या हो सकता है, वो एग्जांपल है डिटरमाइन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 सेवंस इन नंबर 4970701, ठीक है. ओके, डिटरमाइन द प्लेस वैल्यू ओके ऑफ 2 सेवंस इन द नंबर 4970701. इट मींस काउंट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4970701. ओके, तो इसमें हमें दोनों जो आपके 7 हैं, इन दोनों 7s की आपको क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है. एंड क्वेश्चन में थोड़ा ऐड कर देते हैं, एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट. ओके, ये ऐड, ठीक है. एक क्वेश्चन तो आपका इस तरीके से बना, एक और क्वेश्चन बना के देख सकते हैं. सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से प्रेजेंट करूंगा, इसलिए मैं एग्जांपल 2 ही इसे मेंशन कर रहा हूं. डिटरमाइन दी, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, डिटरमाइन दी प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 सेवंस इन नंबर 4970701. ओके, तो आप ये देख सकते हो, ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी, दिस इज अ बेटर वन, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 सेवंस इन नंबर, ठीक है, 4970701. ओके, तो हियर प्रोडक्ट, यू नो दैट प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, ठीक है. और मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास
दो नंबर्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पता करते हैं वो दो नंबर्स कौन से हैं। वो दो नंबर्स में प्लेस वैल्यू है किसकी, 7 की, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन जब करते हैं तो हमारे पास एक नंबर मिलेगा 100 प्लेस पे जो 7 है, 100th प्लेस पे जो 7 है 4970701, 100 प्लेस पे जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू है 7 × 100 700, ओके। एंड जो नंबर थाउजेंड्स प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, वो 7 × 10,000, ओके, यानी 70,000, ठीक, गॉट इट, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज़। तो प्लेस वैल्यू हमने निकाल ली, तो दो प्लेस वैल्यूज़ हमने निकाल लिया, अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 70,000 × 700, ओके, क्लियर है। देन 7 × 7 = 49 और ज़ीरो काउंट करके पुट करो, ठीक है, कितने 0, 4, 2, 6, ओके, 49,000। तो बच्चों एक टाइप का ये भी क्वेश्चन आपके सामने हो गया, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ टू सेवन्स इन द नंबर 4970701, ठीक है, ओके। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, डिटरमाइन द कोशेंट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ टू सेवन्स इन द नंबर 4970701, ओके। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने देखा, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ, यू गॉट इट, यू गॉट माई पॉइंट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर, ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन है, केवल ऑपरेशन चेंज करूँगा मैं, एक और क्वेश्चन आप देख लें, इसे आप एग्जाम्पल नंबर 3 का नाम दें, एक और क्वेश्चन देख लें, हम क्या लिखेंगे, डिटरमाइन दी सम ऑफ टू, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ टू फोर्स इन ठीक है, नंबर क्या है, 1, 10, 100,000, 10,000, 1,00,000, 10,000,000, ठीक है, करोड़, 5,90,45,491, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हमें देखो, हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है, अभी मल्टीप्लाई की प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, प्रोडक्ट की, सम की, डिफरेंस की, अब प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ध्यान दें, डिटरमाइन द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ टू फोर्स इन 5,90,45,491, ओके। इसमें हम क्या करते हैं कि हम निकालेंगे, दोनों फोर्स की प्लेस वैल्यू, तो इस फोर की प्लेस वैल्यू 4 × 100, 400, ठीक है, एंड इस फोर की प्लेस वैल्यू 4 × 10,000 इज इक्वल्स टू 40,000, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम, तो सम इज इक्वल्स टू 40,000 + 400 इज इक्वल्स टू 40,400, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपका ये प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू वाले टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे, एक दो बार आप देख लेना, ठीक है। दिस इज़ लाइव वीडियो, ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एडिट नहीं की गई है, आप सब कुछ अपने सामने देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आता है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आई एम अभिषेक सिंह, योर मैथ्स टीचर, क्लास